आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके के शेरगढ़ गांव के रहने वाले धर्मपाल उर्फ धर्म के ऊपर कई आपराधिक वारदातों के मुकदमे दर्ज थे, जिनसे बचने के लिए धर्मपाल उर्फ धर्म ने अपने पड़ोस के गांव कटाई से कब्रिस्तान के अंदर से एक शव को निकाल लाया और उसको लाकर अपने ट्यूबवेल पर जला दिया, जिसके बाद धर्मपाल मौके से फरार हो गया और उसकी पत्नी शंकुतला ने पूरे इलाके में ये अफवाह फैला दी कि उसके पति की उनके दुश्मनों ने जाकर हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने धर्मपाल की हत्या के आरोप में उसके तहेरे भाइयों को जेल भेज दिया। लेकिन जब धर्मपाल के ट्यूबवेल पर मिले आज जले शव का पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में सारी सच्चाई खुल गई और उसके बाद पुलिस को पता लगा कि मरने वाला 22 वर्षीय युवक था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी और धर्मपाल की तलाश की जाने लगी। एक अभियुक्त है धर्मपाल नाम का, जो थाना हसनपुर का रहने वाला है, वो पिछले 10 सालों से लापता चल रहा था। 2010 में अपनी पत्नी के माध्यम से चार लोगों के विरुद्ध उसके स्वयं के चचेरे भाई और सगे भाई, पुलिस समय समय पर इसके घर जा रही थी। कुछ आसपास के लोगों से जानकारी की गई तो यह पता चला कि यह कहीं जीवित है और अभी भी अपने घर के लोगों के संपर्क में है। इस पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया घर के आसपास, और जो अभियुक्त है उसने जब अपने घर वालों से संपर्क किया तो इस पर पुलिस ने उसे धर दबोचा और पूछताछ में यह सारी घटना सामने आई, जिस पर कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया। जी, यह उत्तराखंड में पहाड़ों में नाम और भेष बदल कर रह रहा था और इसने अपना आपको सरदार बना लिया था वहां जाकर, जिस पर कि किसी की पहचान में नहीं आता था और अक्सर यह गांव के बाहर जंगलों में अपने परिवारजनों को बुलाकर मुलाकात करता था या इसके परिवारजन उत्तराखंड जाते थे जहां इससे मुलाकात होती थी। परंतु जब से पुलिस इसके पीछे लगी थी तब से इसने आना जाना बंद कर दिया था और अभी हाल ही के दिनों में जब ये वापस आया तो हमारे जो टीम लगी थी उसने इसको गिरफ्तार किया और पूरी घटना का